12 नवंबर दोनों ही दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी को रूप से 14 और छोटी दीपावली भी कहा जाता है। दीपोत्सव के दूसरे दिन यानी कि धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली का पर्व होता है। इस दिन लोग अपने घर की सफाई करते हैं और दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन से घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो जाता है, लेकिन नरक चतुर्दशी को मनाने के पीछे की खास वजह है। आइए जानते हैं कि नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, इसे छोटी दिवाली को क्या कहा जाता है, कब मनाते हैं नरक चतुर्दशी। प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी का पर्व धनतेरस के एक दिन बाद और दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस बार नरक चतुर्दशी की तिथि 11 नवंबर से 12 नवंबर तक है, इसलिए दोनों दिन ये त्योहार मना सकते हैं। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। श्री कृष्ण ने नरकासुर के बंदी गृह में कैद 16,000 से ज्यादा महिलाओं को आजाद किए थे। तब से छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के तौर पर मनाया जाता है। छोटी दिवाली कैसे मनाते हैं? नरक चतुर्दशी के दिन घर की साफ सफाई और सजावट की जाती है। घर का कबाड़ और बिगड़ा हुआ सामान बाहर किया जाता है। शाम में घर के द्वार के दोनों कोनों में दिया जलाया जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। नरक चतुर्दशी के दिन दीपक क्यों जलाते हैं? छोटी दिवाली के दिन शाम में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यमदेव की पूजा से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। इस कारण इस दिन यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है। सभी पापों का नाश करने और जीवन की परेशानियों से मुक्ति के लिए शाम के समय यमदेव की पूजा की जाती है।